जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:37 हो गई है, 19 मार्च फ्राइडे, 19 मार्च फ्राइडे 8:37। और आज फ्राइडे है, फ्राइडे एक हमेशा सरप्राइज करने वाला दिन रहता है। तो आज SGX अगर 100 पॉइंट डाउन है तो भी मत देखिए उसको, और 100 पॉइंट ऊपर है तो भी मत देखिए, क्योंकि मार्केट कुछ अलग ही करता है फ्राइडे के दिन। हमेशा फ्राइडे एक उत्साह से भरा दिन होता है, एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटमेंट वाला दिन होता है। उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किसी ना किसी पार्टी की फ्राई हो जाती है, चाहे वो बियर्स हो चाहे वो बुल हो। तो बहुत बार ये मैंने देखा, इसीलिए मैं बोलता हूँ। फिर भी डिस्क्लेमर सेक्शन एक बार दिखाता हूँ, एक सेकेंड के लिए। आप लोग इसको फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए, आज मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल दिखाना चाहता हूँ और समझाने की भी कोशिश करूँगा। जिनको अच्छा लगता है टेक्निकल के कुछ टिप्स या नॉलेज, उनके लिए वीडियो है। तो देखिए, यहाँ पे मैं 4 EMAs ले रखा हूँ, 10, 20, 50 और 100। इन सब के कलर भी डिफाइन है यहाँ पे। ग्रीन कलर वाला 10 EM है, पर्पल कलर वाला 20 EM है, ब्लैक कलर वाला 50 EM है और लाइट ब्लू कलर वाला 100 EM है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एक बुल मार्केट किसको बोलते हैं, बुल मार्केट क्या है? ये बुल मार्केट है, अभी जो चल रहा है ये बुल मार्केट है, बियर मार्केट नहीं है। इसको हमेशा याद रखिए। इसका अगर आप ब्रॉडर रेंज देखो, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अभी भी इसकी ट्रेंड लाइन आपको जीवित है। ये ट्रेंड लाइन क्या है, इट इज़ स्टिल अलाइव। ये देखिए, मैंने कौन से पॉइंट को लिया, लास्ट 6 महीने के चार्ट में इस लो को लिया, इस लो को मैंने इस लो से टच किया, इस लो से टच किया, ठीक है। और आगे जाके ये कल का जो लो बना वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आया। तो ये जो अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन है, अपवर्ड राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, अपवर्ड राइजिंग मतलब ऊपर की तरफ जाने वाली सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, वो अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि इसने ये लेवल 14400 के ब्रीच नहीं किए किसी भी दिन अभी तक क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दी होगी। इसका कलर अगर मैं चाहूँ तो चेंज कर देता हूँ ताकि और थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाइए। एक सेकेंड, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। अरे यार, ये तो मैंने कुछ और ही कर दिया इसमें, ठीक है। यहाँ पे थी, और इसको थोड़ा साइज को भी मैं मोटी कर देता हूँ। तो अभी आपको ट्रेंड लाइन क्लियरली विजिबल है। देखिए, इस लो से मैंने इसको पकड़ा, ये दोनों लो पे टच हुआ ऑटोमेटिकली, और इसको अगर एक्सटेंड किया तो कल का जो लो है एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट इसमें लिया। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 ट्रेंड लाइन, जो 6 महीने की मैंने डाटास को लेते हुए ड्रॉ किए, 6 मंथ्स के, क्योंकि आपको इसकी डेट दिखा देता हूँ, ये कौन सी डेट का कैंडल है। एक सेकेंड, ये रेड कैंडल पे ऊपर डेट दिख रही होगी आपको, 24/9 से लेके मैंने कल तक का मार्केट इसमें लिया, 24/9/2020 से लेके मैंने यस्टरडे तक की कैंडल इसमें ली है। तो ये क्लियर कट क्या बता रहा है कि दिस ट्रेंड लाइन इज स्टिल इंटैक्ट टिल डेट until and unless it closes below 14,400 twice, it is still intact. Number one point, जब तक ये 14,410 के नीचे 2 क्लोजिंग नहीं दे, तब तक ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है, अपवर्ड राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, वो अभी भी इंटैक्ट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कभी भी एक बुल मार्केट में 50 EM है, उसकी ब्रेथ होती है, क्या होती है, उसकी सांसें होती है। उसकी सांसें तभी टूटती है जब 50 EM के नीचे मार्केट 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे दे। 50 EM, देखिए मैं आप 50 EM को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ मेरी स्टाइल में, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको एग्री करेंगे। ट्रेडर के लिए 10 EM, 20 EM आर शॉर्ट टर्म एंड 50 EM इज़ ए
मीडियम टर्म एंड 100 ईएमए इज ए लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए जो ट्रेड करते हैं, ठीक है। 10-20 उसके लिए शॉर्ट टर्म, 50 इसके लिए मीडियम टर्म, या सॉरी 10 ईएमए इज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, मेरी डेफिनेशन बुक्स में, एक्सट्रीमली सॉरी, 10 ईएमए शॉर्ट टर्म, 20 ईएमए मीडियम टर्म और 50 ईएमए उसका लॉन्ग टर्म। ये मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट ने तीनों ही ब्रीच कर दी, ट्रेडर के हिसाब से तीनों ब्रीच हो गई, 10 भी टूट गई, 20 भी टूट गई और कल एक बार 50 भी टूट गई है कल। तो ट्रेडर के हिसाब से तो मार्केट गया, खलास हो गया, लेकिन टूटी 10-20 तो कन्विंसिंगली टूट गई, लेकिन 50 वाली आज अगर क्लोज करता है 50 ईएमए के नीचे, यानी कि आज अगर मार्केट 14,615 के नीचे क्लोज करता है तो मार्केट ट्रेडर के हिसाब से खलास हो जाएगा। तो ट्रेडर की मैं फिर से डेफिनेशन देता हूँ मेरी बुक्स में, ये किसी बुक्स की मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडर हो जो रोज़ खेलते हो या हफ्ते की पोजीशन बनाते हो, तो उसके लिए 10 ईएमए उसका शॉर्ट टर्म एवरेज होता है, 20 ईएमए उसका मीडियम टर्म एवरेज होता है और 50 ईएमए उसके लिए लॉन्ग टर्म। अगर स्टॉक या इंडेक्स 50 ईएमए, 10, 20, 50 तीनों के नीचे चला जाए तो एक बार आप उससे निकल जाइए अगर आप ट्रेडर हैं, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर का डेफिनेशन सुन लीजिए आप, 50 ईएमए शॉर्ट टर्म, टिल 50 ईएमए शॉर्ट टर्म, 100 ईएमए मीडियम टर्म और 200 ईएमए लॉन्ग टर्म, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के हिसाब से तो अभी उनकी शॉर्ट टर्म एवरेज भी कल पहली बार ब्रीच हुई है, कौन सी, कल, और ब्रीच हुई है मतलब कंफर्मेशन नहीं दिया, ब्रीच हुई है। ब्रीच और कंफर्मेशन में फ़र्क क्या है, जैसे आप देखिए इसके पहले 50 ईएमए कब ब्रीच हुई, यस्टरडे के पहले कब ब्रीच हुई, ये बजट के एक दिन पहले ब्रीच हुई थी, याद है आपको, 29 जनवरी को ब्रीच हुई थी, लेकिन 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 1 फरवरी को उसने सीधा गोता ऊपर की तरफ लाया, यानी इन्वेस्टर की शॉर्ट टर्म एवरेज भी तुम ब्रीच करने आए तो इन्वेस्टर ने मार्केट को खींच डाला वहां से, कितना पॉइंट खींच डाला देखिए, ये ब्रीच हुई और यहां से इसने 15,400 तक लेके आ गया, ये था 13,800 के करीब था, ये 13,800 या 600 के करीब, ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहां से माल इतना खींचा, तो कल भी फर्स्ट टाइम ब्रीच हुई है, तो आज अगर एक वाइट कैंडल ऐसी बन जाए जो कि मुझे सरप्राइज नहीं होगा, तो यू नेवर नो कि जितना ये रैली किया है उतना वो भी कर सकती है। तो ये रैली कितनी पॉइंट की हुई अगर यस्टरडे के लो से देखें तो, मतलब उस बजट के एक दिन के पहले के लो से देखें तो 13,600 से 596 का लो है, ये कहाँ तक गया, 15,430 तक गया, 13,600 से 15,430 तक गया, जब तुमने 50 ईएमए पे चोट मारी तो उसने इतना बड़ा बदला लिया। तो कल तुमने पहली बार 50 ईएमए पे चोट मारी है, तो क्या फिर से 2000 पॉइंट की यहाँ से रैली दिखाया गया क्या, जैसा यहाँ पे दिखाया, यू नेवर नो। लेकिन आज अगर किसी भी कारण से 600 के नीचे बंद करता है तो ये पहला इन्वेस्टर के लिए पहला शॉर्ट टर्म एवरेज ख़त्म, और ट्रेडर के लिए ये मार्केट ही जो बुल्स है उनके लिए बुल्स मार्केट ख़त्म। तो 615 बहुत इम्पोर्टेंट है आज के लिए, ध्यान रखिए, ठीक है। अब आ जाइए, तो इसमें मैंने क्या लिखा, इन अ बुल मार्केट 50 ईएमए एक्ट्स एज अ वेरी बिग बैरियर फॉर बीयर्स अंटिल एंड अनलेस इट इज़ कन्विंसिंगली ब्रीच्ड द चांसेस ऑफ शार्प रिकवरी इज वेरी ह्यूज। क्यों ऐसा लिखा हूँ, कन्विंसिंगली ब्रीच क्यों लिखा, क्योंकि अगर इसके नीचे दूसरी क्लोजिंग आती बजट वाले दिन भी तो ये कन्विंसिंगली ब्रीच माना जाता। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का फॉर्मेशन था, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 बड़ी गिरावट के बाद इसने खींच दिया, और खींचा भी कितना, 2000 पॉइंट से ज़्यादा खींच दिया, 1800-1900 पॉइंट खींच दिया, 13,600 से ये 15,400 चला गया, 1800 पॉइंट। तो क्या यहाँ से भी 1800 पॉइंट खींच देगा, तो आप खुद समझ सकते हो कहाँ तक जा सकता है। ये हो गया
तो 50 EMA पे बहुत ध्यान रखिएगा, 614 अभी चल रही है करंटली, लेकिन ये हर वक्त चेंज होती है, तो आप लाइव मार्केट में इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, मतलब इट कीप्स ऑन मूविंग विथ एवरी टिकर ऑफ प्राइस। टिकर ऑफ प्राइस मतलब जब जब निफ्टी में एक ट्रेड होगा इसकी इसकी एवरेज हल्की सी चेंज होगी। अब आज ये दूसरा क्या है, दूसरा मैंने एक रेंज निकाली है, इसको भी मैं कलर कुछ अलग कर देता हूँ, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दिखाऊंगा मैं, इसका कलर मैं ब्लैक करके ठीक है, और इसका भी कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो अब ये जो रेंज मैंने बनाई है ब्लैक कलर की लाइन से दोनों, ये रेंज है निफ्टी की एक चैनल वाली रेंज, ये देखिए सीधी है, इसके अंदर अंदर में निफ्टी की खेल रहा है पूरी इस रेंज में। तो अब इस रेंज का बड़ा क्या आ रहा है, 14400 लोअर एंड आ रहा है इसका 14400, और 15275 इसका हायर एंड आ रहा है जो कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसी भी साइड को पहले ब्रीच करेगा दो क्लोजिंग से, उस साइड में मूव बहुत स्पीडली बढ़ेगा फिर मार्केट, 15275 या 14400। तो अभी आप बोलोगे यार अभी तो हम 14400 के नज़दीक है, तो हमेशा एक चीज़ बड़े बुजुर्ग ने भी सिखाया, बाई नियर सपोर्ट सेल नियर रेजिस्टेंस, बाकी आपकी मर्जी है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।